अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। मैं हूं जहाज़िब जमशेद, एक बार फिर से आप व्यूअर्स की खिदमत में एक प्रोग्राम के साथ पेश हूं। आज हम लोग एमबी टेरेस पे आए हैं, यहां से आपको टेलीस्कोप भी मिल जाएगा। तो आइए आप लोग को शॉप दिखाते हैं, यहां पे क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी मेडिसिन होती है। और आप लोग हमारा जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिक्स चैनल देखिए, वहाँ से आपको खालिद भाई का नंबर मिल जाएगा, तो आप लोग कॉन्टैक्ट करके वहाँ से टेलीस्कोप परचेज कर सकते हैं। तो आइए आप लोग को शॉप का विजिट करवाते हैं। तो खालिद भाई, एमबी टेरेस की शॉप पर हमें एक सॉफ्ट फूड ग्राइंड करने के लिए एक मशीन नज़र आई है। आप लोग देख सकते हैं कि ये सॉफ्ट फूड को ग्राइंड करती है और ये चार्जेबल है। इसकी चार्जिंग यहाँ से होती है और ये इसका एक बटन है। तो ये सॉफ्ट फूड को ग्राइंड करने के लिए है और इसकी जो प्राइस है वो 1200 इसकी प्राइस है। जो भी इंटरेस्टेड हैं वो खालिद भाई एमबी टेरेस से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर खालिद भाई एमबी टेरेस की शॉप पर कुछ बर्ड्स भी आते रहते हैं फॉर सेल के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये आवाज़ करने वाला काला तीतर मौजूद है। तो इसकी प्राइस तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप खालिद भाई एमबी टेरेस से कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको इसकी प्राइस का पता चल जाएगा। तो यहाँ पर खालिद भाई एमबी टेरेस की शॉप पर एक कनेरी भी मौजूद है। यहाँ पर ये कनेरी भी फॉर सेल है, काफ़ी आवाज़ें करती है। जब हम यहाँ पर शॉप पर आते हैं तो हमें मुस्तकिल कनेरी की आवाज़ें आती रहती हैं। इसकी भी प्राइस आप खालिद भाई एमबी टेरेस से कॉन्टेक्ट करके मालूम कर सकते हैं। माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत येलो कलर के अंदर ये मौजूद है और ये बहुत आवाज़ें करती है। और आप लोग देख सकते हैं कि एक भूरा तीतर भी खालिद भाई एमबी टेरेस की शॉप पे अवेलेबल है। इसकी भी प्राइस का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप खालिद भाई एमबी टेरेस से कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको इसकी प्राइस का पता चल जाएगा। ये भी फॉर सेल है और माशाल्लाह ये भी काफ़ी आवाज़ें करता है। भाई, वीडियो में आपको इसकी आवाज़ें सुनाते हैं। तो देखा व्यूअर्स, काफ़ी अच्छी आवाज़ें करता है ये। अब यहाँ पर इनके पास चकोर भी आए हुए हैं, चकोर भी फॉर सेल है। ये मुझे थोड़ा सा वाइल्ड लग रहा है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि चकोर जो है वो बाय नेचर थोड़े से वाइल्ड होते हैं। तो पलावा होने के बावजूद भी थोड़ी इनके अंदर ऐसी हैबिट होती है कि वाइल्ड हरकतें करते हैं। तो ये भी फॉर सेल है और यहाँ पर एक चकोर है, ये भी काफ़ी सुकून से बैठा हुआ। और इनके पास एक काला तीतर और मौजूद है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर इनके पास ये बड़े साइज़ में ब्रीडिंग बॉक्स भी मौजूद हैं जो बड़े पैरट्स के केज के अंदर लगाए जाते हैं। ये तमाम ब्रीडिंग बॉक्स जो हैं ये ब्रीड के लिए काम आते हैं और ये भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। ब्रीडिंग बॉक्स तो आपको इनकी शॉप से तमाम साइज़ में मिल जाएगा। और इसके अलावा मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इन्होंने कुछ केजेस लगाए हुए हैं, ये भी केजेस भी फॉर सेल हैं। तो खालिद भाई की शॉप पर केजेस भी आए हुए हैं, छोटे साइज़ के और बड़े साइज़ के केजेस आए हुए हैं। और यहाँ पे इनके पास ये नेट है, ये बर्ड पकड़ने वाली नेट है। आइए आपको दिखाते हैं, इसकी नेट जो है इतनी बड़ी होती है। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये नेट लगी हुई है इसमें। और यहाँ पर इनकी शॉप पे ब्रूडर बड़े बड़े मौजूद हैं जिनमें हम पैरट्स के चिक्स रख सकते हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिससे हम इनका इस ब्रूडर का टेम्परेचर सेट करते हैं और ये हमें बताता रहता है कि टेम्परेचर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 7 सेगमेंट लगे हुए हैं जिससे हमें पता चलता है कि इसका टेम्परेचर कितना है। तो ये बड़े बड़े ब्रूडर इनकी शॉप पे अवेलेबल हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि इनक्यूबेटर भी इनकी शॉप पे अवेलेबल हैं। यहाँ पर भी इसमें भी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा हुआ है इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो खालिद भाई की दुकान पर यहाँ पर लूज़ में दाना भी मिलता है। तो आप लोग देख सकते हैं केजेस में जो लगती हैं वो प्याले इनकी शॉप पे मौजूद हैं। और ये ब्रीडिंग बॉक्स हैं जो ब्रीड के लिए हवाले से लगती हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़े साइज़ में, छोटे साइज़ में, ये पानी की है जो पिंजरे के अंदर लगाई जाती है। पानी डाल के इसको लगा देते हैं ताकि बर्ड इसमें से पानी पीता रहे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैकेट बॉक्स है, इसके अंदर कैट्स भी रखी जा सकती हैं और डॉग के पपीज भी रखे जा सकते हैं, डॉग भी रखे जा सकते हैं, छोटे साइज़ के होते हैं। तो ये स्मॉल साइज़ में खालिद भाई एमबी टेरेस की शॉप पर ये जैकेट बॉक्स है। और इसको यहाँ से क्लिप दबा के इसको खोलते हैं, ये ओपन हो गया। इसके अंदर आप लोग कैट्स भी रख सकते हैं और डॉग के पपीज भी रख सकते हैं। तो ये दो जो इसके लॉक है ये इस तरीके से दबते हैं और ये फिर खुल जाता है और इसी तरीके से बंद होता है। और खालिद भाई एमबी टेरेस की शॉप पे ये कैट हाउस भी आया है, आप लोग देख सकते हैं। स्मॉल साइज़ में है ये, तीन साइज़ में इनकी शॉप पे अवेलेबल होता है, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। इस वक्त हम लोग जो देख रहे हैं स्मॉल साइज़ है। इसमें डबल साइडेड जिप लगी हुई है
और यहाँ पे एक होल है ताकि कैट इसके अंदर जाके आराम से रेस्ट कर सके। तो इसको खोल के दिखाते हैं आपको। तो ये स्मॉल साइज़ में है और यहाँ पे भी इसके एक इस साइड पे ज़िप होती है। इसके अलावा ये तीन साइज़ में अवेलेबल है और मुख्तलिफ कलर में यहाँ पे अवेलेबल है एम्बी ट्रेडर की शॉप पे। जी व्यूअर्स, तो ये है बेल्जियम जो मैंने आपको मेरी एक वीडियो में दिखाया था। ये कबूतरों का और बर्ड्स का कैल्शियम होता है जो बर्ड्स की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बर्ड्स के परों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका बर्ड जो है वो बिल्कुल कलरफुल रहे और उसके पर वगैरह सही रहें और आपका बर्ड सेहतमंद है, तो आपने उसको ये बेल्जियम वाला जो कैल्शियम है जो खालिद भाई एम्बी ट्रेडर के पास है वो ज़रूर इस्तेमाल करवाना है। यहाँ पर इनके पास दो बड़े बॉक्स हैं, ये लूज़ में भी देते हैं। इसकी क्वान्टिटी का मुझे नहीं पता किस हिसाब से देते हैं, आप लोग इनसे कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको बता देंगे, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लूज़ में भी देते हैं। इसमें जो फिंचों से लेके फिंच, मकाओ, कनेरी, हर तरह के पैरट्स की अलग कैल्शियम है जो छोटे साइज़ में है, बारीक होती है, और कबूतरों की कैल्शियम अलग है जो दूसरी मैंने आपको दिखाई थी अपनी एक वीडियो में। कबूतरों की कैल्शियम थोड़ी सी मोटी होती है और ये जो पैरट्स की कैल्शियम होती है कबूतरों की कैल्शियम से बारीक होती है। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि ये पैरट्स की कैल्शियम है, काफ़ी बारीक है ये। अब आपको कबूतरों की कैल्शियम भी दिखाते हैं, ये बेल्जियम है कबूतरों की। तो ये भी देख सकते हैं आप लोग, ये थोड़ी सी मोटी होती है, कबूतर बहुत शौक से खाते हैं ये, और पैरट जो है वो बारीक वाली कैल्शियम बहुत शौक से खाते हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारी मेडिसन्स हैं जिसमें कैट्स के आइटम भी इनके पास मौजूद हैं। ये म्याओं का एक बॉक्स रखा हुआ है, ये भी कैट का एक आइटम है, और बहुत सारी मेडिसिंस इनके पास मौजूद हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये है म्याओ क्रीमी ट्रीट्स, ये जो है कैट्स बहुत शौक से लेक करती हैं, ये कैट्स की जेली है और ये खालिद भाई की दुकान पे अवेलेबल है। ये भी कैट्स की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है, ये कैट्स बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर फिश लीवर ऑयल कैप्सूल हैं। अभी जो हम देख रहे हैं यहाँ पर इनके पास पैरट्स की फीड मौजूद है जिसमें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की इनके पास फीड मौजूद हैं, अच्छी से अच्छी कंपनी की फीड भी इनके पास मौजूद है। और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये कैट फूड है और यहाँ पर ये दूसरी कंपनी का कैट फूड है। तो ये कैट फूड भी बहुत अच्छा है, कैट्स को दिया जाता है उनके वाइटामिन्स और उनकी बॉडी के मिनरल्स वगैरह मेंटेन करने के लिए। और मेडिसिंस में आप लोग देख सकते हैं कि कबूतर की मेडिसिंस भी खालिद भाई एम्बी ट्रेडर्स के पास हैं, साथ साथ इनके पास हैंड फीडिंग फार्मूला भी मौजूद है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है पैरट चिक्स की फीड है, ये छोटे बॉक्स में है, छोटे साइज़ में है। साथ साथ इस फीड के बराबर में एक बड़ा पैक रखा हुआ है, ये भी कैल्शियम का है। ये जो आप पैक देख रहे हैं ये बजरी तोते और मुख्तलिफ तोतों को इस्तेमाल करवाया जाता है, ये इनके अंडों की इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है, इनके अंडों को इम्प्रूव करता है और बेहतर करता है इनकी ब्रीडिंग में, तो ये ब्रीडिंग के हवाले से दिया जाता है इनको। और भी बहुत तरह की मेडिसन्स इनके पास मौजूद हैं जिसमें इनके पास वाइटामिन्स की मेडिसन्स हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, और इसके अलावा इनके पास जैसे नज़ले की कंडीशन में आ जाता है कंपाउंड मौजूद है, इनके पास सिंगल मेडिसिन है। ख़ास तौर पे कुछ मेडिसन्स ऐसी हैं जो चूज़ों के लिए होती हैं, कुछ मेडिसन्स ऐसी हैं जो बटेरों के लिए होती हैं, कुछ मेडिसन्स ख़ासकर ऐसी होती हैं जो मोर वगैरह के लिए होती हैं, बड़े पैरट्स के लिए होती हैं,
और इनके पास कुछ मेडिसन्स ऐसी भी हैं जो तमाम परिंदों को दी जाती हैं, जो छोटे पैरट को भी दे सकते हैं, बड़े पैरट को भी दे सकते हैं। तो हर तरह की मेडिसन इनकी शॉप पे आपको मिल जाएगी। किसी भी किस्म की कंडीशन हो, चेचक की बीमारी हो या फिर बर्ड्स में एक सीप की बीमारी आती है, तो उसका भी इलाज है खालिद भाई के पास। उसकी भी मेडिसन मौजूद है इनके पास। जो हमारा चूज़े का या चिक का पोटा बिल्कुल ड्राई हो जाता है, हड्डी नज़र आ रही थी, उसकी भी मेडिसिन इनके पास मौजूद है। और साथ साथ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके पास जो है वो फ़िश की फीड भी मौजूद है। ये फ़िश की फीड भी सेल करते हैं। जो एक्वेरियम में फ़िशेस रखने वाले शायकीन दोस्त हैं वो भी खालिद भाई के से कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़िश की फीड वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा इनके पास यहाँ पर कुछ ब्रीडिंग फार्मूलाज भी हैं जो परिंदों को ब्रीड के हवाले से दी जाती हैं। इनके पास बहुत सारी मेडिसन्स हैं जिसमें मछली का ऑयल भी मिलेगा आपको, मछली के ऑयल के बने हुए कैप्सूल भी मिलेंगे जो ब्रीड के हवाले से इस्तेमाल करवाए जाते हैं। इंशाल्लाह आप खालिद भाई एम्बेडेड से कांटेक्ट करेंगे तो हर किस्म की मेडिसिन आपको इनके पास मिल जाएगी। यहाँ पर खालिद भाई लूज़ में जो दाना होता है उसके पैक बनवा के भी रखते हैं। अगर कोई पैक ख़रीदना चाहे तो उनसे पैक भी ख़रीद सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इनसे लूज़ में भी परचेज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ह्यूमिडिटी मीटर्स भी इनके पास मौजूद हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैंड फीड कराने का इनके पास एक सिरिंज भी मौजूद है। इसके अलावा इनकी शॉप पे आपको हर किस्म के कैट्स के, डॉग के, बकरों के पट्टे वगैरह मिल जाएंगे जो इनके गले में लगाए जाते हैं, लेदर के, चमड़े के, वो भी मिल जाएंगे आपको। साथ साथ इनकी जो चैनें होती हैं जिससे आप इनको पकड़ ग्रैब करते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी इनकी शॉप से। तो यहाँ पर मुख्तलिफ आइटम्स इनकी शॉप पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ रेयर आइटम है, जैसे इनके पास कैट्स के प्ले करने के लिए इनके पास आर्टिफिशियल माउस होते हैं छोटे छोटे बने हुए, जिससे कैट प्ले करती हैं, खेलती हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैट एक्टिविटी करे तो उसके हवाले से भी यहाँ पर आर्टिफिशियल माउस मौजूद है इनके पास, तो वह आप परचेज़ करके अपनी कैट्स को दे सकते हैं तो उससे वो प्ले कर सकती हैं और अपनी एक्टिविटी कर सकती हैं। तो अब आइए आपको एक ओवरव्यू दिखा देते हैं मेडिसिन्स का कि कितने किस्म की मेडिसिन इनकी शॉप पर इस वक्त मौजूद हैं। जी तो ये है एक ओवरव्यू मेडिसिन्स का, देख सकते हैं आप कितनी क्वांटिटी में कितनी ज़्यादा मेडिसिन्स इनके पास मौजूद हैं। हर किस्म की बीमारी की, हर किस्म के इलाज की मेडिसिन इनके पास मौजूद है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं खालिद भाई के पास एक टॉर्च भी है, स्टिक वाली है, खुल के लंबी हो जाती है। और इससे फ़ायदा ये है कि आप बगैर एग को टच किए ही आप चेक कर सकते हैं कि एग आपके बर्ड का फर्टाइल है या नहीं। तो ये उसके हवाले से टॉर्च डिज़ाइन करी गई है। इसका जो बटन है इस टॉर्च के बिल्कुल ऊपर वाले साइड पर है, और इससे आप अपने बर्ड्स के एग्स को चेक कर सकते हैं कि वो फर्टाइल हैं या अनफर्टाइल हैं। इसी के साथ साथ इनके पास एक छोटे साइज में भी टॉर्च मौजूद है जो इसी काम में आती है। तो उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आज की वीडियो आप व्यूवर्स को पसंद आई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं इसी किस्म की वीडियो बनाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।